15 अगस्त 2020 यानी आज हमारा भारत 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य पर इंदौर शहर के DIG हरिनारायणचारी मिश्र ने अपने कार्यालय पर झंडा वंदन कर बैंड के साथ राष्ट्रगान गाया। आगे मिश्र ने बताया कि शहर के हर थाने में इसी तरह हर्ष और उल्लास के साथ कोरोना महामारी को देखते हुए सुरक्षित तरीके से झंडा वंदन किया गया और शहर की जनता से भी अपील की गई है कि अपने घर पर ही रहकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाएं। हम आपको बता दें कि भारत में सभी लोग स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन पहले से ही सड़कों पर लोग तिरंगा लिए नजर आते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और इसी दिन भारत की एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहचान बनी थी। इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। 15 अगस्त वह राष्ट्रीय पर्व है जिसके अवसर पर एक आत्म सम्मान, गौरव, एक उल्लास की सभी लोगों को अनुभूति होती है। इस अवसर पर पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। भले ही जो भौतिक रूप से जो आयोजन हो शायद उतना बड़ा वर्तमान परिस्थितियों के कारण संभव नहीं हो पाया है। सभी लोग अपने अपने कार्यालयों में इसे मना रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर जो उल्लास है, जो एक आत्मसम्मान है, इसको लेकर के जो एक आत्मसम्मान की भावना है वो कहीं भी कम नहीं, वो उतना ही है। इस अवसर पर सभी शहरवासियों को पुनः बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, मास्क भी, थानों पर भी इस तरह के झंडा वंदन किया गया। एक केंद्रीय आयोजन होता है उसका स्वरूप हो सकता है थोड़ा छोटा हो, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको लेकर के जो उत्साह, एक जो गौरव की अनुभूति है वो कहीं से भी कम नहीं है। सभी जगहों पे, सभी थानों पे जो इस दौर में जो भी सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए सभी जगह उसी उल्लास, उसी उत्साह के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।